हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं से बोल रहा हूँ सर, आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारी एक सर्विस आई है हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड है सर, बात सुन लीजिए। इसमें इस सर्विस में बस सर ये बता रहा हूँ, जितने आपके गर्लफ्रेंड मैसेज भेजती है उसका रिप्लाई हम अपनी तरफ से कर देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। सर क्या 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 दोबारा बोल सर, इसमें ये सर्विस में ये है कि जितने भी आपके गर्लफ्रेंड, मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेजेस कर रही है, तो आपकी तरफ से हम आपकी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई कर देंगे अगर आप बिजी हैं। ये क्या आप सचमुच कर रहे हो या यार ये मतलब नहीं नहीं सर, आपको आपको नहीं सर बिलीव नहीं हो रहा सर, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट में सिर्फ एक हफ्ता रह गया सर। हमारे बहुत सारे कस्टमर है जो यूज कर रहे हैं, मैं आपको फिर समझा देता हूँ सर। मान के चलिए आप मीटिंग में बिजी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आफत तमाशा बन जाता है सर। इसमें हम 3 सेकंड के अंदर अंदर आपकी तरफ से मैसेज भेज देते हैं। अच्छा आप कहें तो सर आपके ये नंबर पे मैं एक्टिवेट कर दूं, लेकिन सर इसके मासिक चार्जेस हैं, आपको 1500 रुपए अलग से लग के आएंगे। चल ठीक है वो तो 1500, लेकिन ये होगा कैसे मतलब? मैं आपको बता देता हूँ सर, मिसाल के तौर पे सर, फॉर एग्जांपल जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राइव करते वक्त आपकी गर्लफ्रेंड ने मिसाल के तौर पे आपको लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू सर, अगर आप 4 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो गुस्से की स्माइली भेजती है या फिर बुरा मान जाती है। एम आई राइट सर? सर इसमें यह होगा, जैसे उसने लिखा हेलो जानू आई एम मिसिंग यू, हमारे सर्वर पे आ जाएगा, हम आप ही के नंबर से, क्योंकि हमारे से ही नंबर चलता है आपके, आपके नंबर से हम टाइप कर देंगे भेजेंगे, जानू आई एम वेरी गुड बट विदाउट यू नथिंग। अच्छा और ये अच्छा ठीक है, पर आपके यहाँ से कौन कौन, ये कोई आदमी करेगा या सर, हमारे यहाँ से आपने आदमी मैडम भी बैठी हुई है, मैडम से करवाए थे, आदमी बैठे थे, जिसको आप प्रेफर करें सर। सर इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, अगर मैडम ने आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, हम अपनी तरफ से भी दिन में कई बार उनको टेक्स्ट भेज सकते हैं। अच्छा कर दो यार एक्टिवेट, अभी एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, दिन में जो अपनी तरफ से हम एक्टिवेट करें वो वाला एक्टिवेट करूँ या फिर उन्हीं के बातों का जवाब दे दें वो वाला एक्टिवेट करूँ? हाँ दोनों कर दो, मतलब जिसमें ना सर मैं जान सकता हूँ मॉर्निंग में हम क्या मैसेज भेजे मैडम को, आपके गर्लफ्रेंड को? मेरा बाबू उठ गया। 1 सेकंड सर, मेरा बाबू उठ गया। हाँ क्वेश्चन मार्क, हाँ 2-3 लगा देना, और मतलब स्माइली रोज मत लगाना, एक दिन छोड़ के लगाना। ठीक सर, आप चाहते हैं इसके कितनी देर के बाद दूसरा मैसेज भेजें? नहीं रिप्लाई हम दो ना, फिर उसके बाद मतलब यार एक दोपहर में भेज देना उसको, ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा करके दिन में एक उसको ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, ये लिख दूं सर, ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता। हाँ ऑफिस में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ये ठीक है सर। सर रात के कोई खास मैसेजेस? नहीं रात को तो खुद कर लूंगा खुद। सर थैंक यू सो मच, 24 घंटे में ये सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। भाई जी सर, यार कोई ऐसा है क्या कुछ जो डीपीपी जब वो लगाए तो अपने आप को यहाँ कोई लाइक और अच्छा सा कमेंट का भी कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ काम खुद भी कर ले, हमारे ऊपर छोड़ रखा है, मोहब्बत करिए क्या तमाशा बना रहा है। हेलो हाँ जी कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ, आपने अभी फोन किया था ना मेरे को, आपने फोन मैंने फोन किया था, सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा हाय हाउ आर यू? आई एम गुड एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सुहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मैं इनवाइट करना था। अच्छा अच्छा, नो आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस कब बढ़िया, कब कर रहे हैं? 15 को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई विल कम। नहीं मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह यू रिमेम्बर? हाँ भैया बिल्कुल, मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। जो पर भैया अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक नहीं थे यार वो, सही किया आपने। मैं एक्चुअली सुहेल को ना बताने भी वाला था एक बार ही कि भाई चलो बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सुहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको, आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार पांच शेर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर, मतलब वो आपको याद होगा वो कॉलेज में एक जो गेट होता था साइड में जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी, मतलब कितनी बारी यार मतलब लड़कों को शर्म आ जाए भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने, आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने, मतलब यार कैमिस्ट की दुकानों में यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज।
वो मतलब सॉरी यार, बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो, ठीक है फिर, मतलब आप भाभी को भी ले आना, रखता हूँ भाई। ओके बाय। हेलो मीना जी, नमस्ते। नमस्ते मीना जी, मैरचंद बोल रहा हूँ। कौन मैरचंद? मैरचंद केशव का चाचा। मीना जी शादी में आप 3 दिन पहले केशव। अच्छा अच्छा हाँ जी। मीना जी भाई साहब हैं घर पे? नहीं डॉक्टर साहब तो नहीं है अभी, शाम तक आएंगे। मीना जी माइंड मत करना, वो मैं केशव का चाचा हूँ। वो असल में हुआ ये था, शादी में जितने लोग आए ना, तो वो जितने एनवलप दिए, जितने डब्बे दिए गिफ्ट के ना, वो एक गाड़ी में रखे थे हमने। अच्छा। वो गाड़ी में जो लेके गया था ना हमारा बंदा, वो साला पता नहीं कहाँ ले गया, वो सारे खो गए। पता नहीं कहाँ, घर में भी ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मिल रही। सारे खो गए हैं मतलब अभी ढूंढ रहे हैं वो। तो इसमें मीना जी आप माइंड मत करना, प्लीज़ माइंड मत करना। मैं मतलब ये सबसे ही पूछ रहा हूँ, मीना जी आपने क्या दिया था जस्ट फॉर हमारा रिकॉर्ड ना, आगे की शादी के लिए मतलब। अच्छा मैं बता तो देती हूँ, पर ऐसे ये बताने वाली नहीं, बात नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं नहीं आप, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये है ना सारे खो गए, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। अभी भी लड़के ढूंढ रहे हैं घर में ही, हो सकता है सोफे नया बेड बिछा है शायद पीछे बिछे हो। तो आपने क्या दिया है मीना जी इसमें? हमने ना एक डब्बा दिया था, उसमें डायमंड रिंग दी थी हमने। डायमंड रिंग थे उसमें? हाँ, डॉक्टर साहब का नाम भी लिखा है उस पे। नहीं आप सही कह रहे हो, डॉक्टर साहब का नाम तो लिखा होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था आपके यहाँ डायमंड रिंग जाएगी। आगे मिल गया आपका डब्बा, मिल गया आपका डब्बा। मिल गया? एक सेकंड मिल गया, वो ये लाल कलर का है। आप डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं देर से आते हैं। ये आपका डब्बा, डॉक्टर साहब की चिट भी लगी। इसमें तो कप हैं 4 प्लास्टिक वाले। हेलो मीना जी, आप देख रहे हैं इसमें क्या डॉक्टर साहब का नाम लिखा है? हाँ, डॉक्टर योगेश के है ना। फ्रॉम डॉक्टर योगेश। हाँ। क्या है इसमें? कप्स हैं। इसमें तो प्लास्टिक के कप हैं मीना जी। हेलो कट गया क्या? कट गया।